फ्रिक्शन, सेकंड तरीके का जो फ्रिक्शन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। सपोज करिए बेटा कि एक कोई बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट है जो जमीन पे रखा हुआ है, और आप उसको आगे पुश करने की कोशिश करते हैं। जितनी फोर्स आपने लगाई उससे वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हिला। आपने फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज करी, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं हिला। आपने फोर्स थोड़ी सी और इंक्रीज करी तो वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा हिला और एक ऐसी स्टेज में आ गया कि उसके बाद आप उसको और आगे डिस्प्लेस कर पा रहे हैं और आगे तक आप उसको हिला पा रहे हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक था? वो फ्रिक्शन जो मौजूद था जब आप उस ऑब्जेक्ट को पुश करने की या पुल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पा रहा था। तो उस समय जो फ्रिक्शन मौजूद था जिसने कि उस ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं दिया, दैट फ्रिक्शन वॉज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आपने फोर्स जो है ज्यादा कर ली फ्रिक्शनल फोर्स से तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने लगा, लेकिन जब तक आपने उतनी ही फोर्स अप्लाई की थी जितनी की फ्रिक्शनल फोर्स थी तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा था। सेकंड तरीके का जो फ्रिक्शन है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड ऑन अ सरफेस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे स्लाइड होना शुरू हो जाता है तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है बाय द सरफेस ऑफ वो कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसी भी सरफेस पे, जैसे आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि एक स्नो पे स्लाइड कर रहा है, तो जब भी ये जो स्नो है उस ऑब्जेक्ट पे यानी उस आदमी के जो जिस पर वो स्लाइड कर रहा है उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करते वक्त जो सरफेस है जिस पर आप स्लाइड कर रहे हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जो तीसरे तरीके का फ्रिक्शन है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जैसा कि नाम बताता है कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसकी रोलिंग मोशन को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसकी रोलिंग को रोक देने के लिए वो फ्रिक्शन कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये होते हैं तीन तरीके के फ्रिक्शंस जो हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है फ्रिक्शन का वो है प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग ऑन वेट एंड स्मूथ सर्फेसेस। जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हम किसी भी वेट या स्मूथ सर्फेस पर गिरने से बच जाएंगे। ये चीज हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस की थी। इसके अलावा इट वुड बी डिफिकल्ट टू सिट ऑन चेयर और ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑफ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चेयर पर बैठ नहीं पाएंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है टेबल पर या चेयर पर या किसी भी ऐसी जगह पे तो वो स्लाइड ऑफ होकर के नीचे गिर जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर रखा हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ मैचस्टिक इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो भी मैचस्टिक हम बर्न कर पाते हैं दैट इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है, उसी की वजह से मैचस्टिक बर्न हो पाती है। और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम जो है बोर्ड पर लिख पाते हैं या आप पेन की हेल्प से अपनी नोटबुक पर लिख पाते हैं। इन सभी एग्जांपल्स से ये क्लियर होता है कि फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो वैसे ही हैं जो इसके इफेक्ट्स से ऑलमोस्ट सेम हैं, वही कि ये जो है मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन की वजह से जो भी हिस्सा मूवमेंट में था वो वियर या टियर हो जाता है,
और इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े थे वही सारे डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। अब हम इस फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं वो है सरफेस को स्मूथ करने का। अगर सरफेस स्मूथ है, शाइनी है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड जो चीज है वो होती है बाय यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। आपने देखा होगा जैसे कि वहां पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हम इस तरीके से ग्रीसिंग का यूज करते हैं अपने अप्लायंसेस में, हर मशीनरी में ज्यादातर ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो जब फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो आपका जो भी अप्लायंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी व्हीकल है, वो स्मूथली मूवमेंट कर पाएगा। इसके अलावा बॉल बैरिंग्स भी यूज किए जाते हैं। आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह का बॉल बैरिंग होता है। ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, फैंस वगैरह में यूज किया जाता है। और आई थिंक इस तरह की चीज मशीनरी और भी जो होते हैं आपके व्हीकल्स वगैरह, उनमें भी इस तरीके का ये बॉल बैरिंग यूज किया जाता है, अगेन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसके अलावा स्ट्रीम लाइनिंग एक है, उसके थ्रू भी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो ऑब्वियसली बात है, जब डिक्रीज करने के लिए हमने सरफेसेस को स्मूथ किया था, तो इंक्रीज करने के लिए सरफेसेस को रफ कर देंगे। इसके अलावा सरफेसेस अगर गीले होंगे तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और अगर वेट भी ज्यादा होगा तो भी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो दीज आर द वेज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट हो फोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फोर्स को समझने के लिए। जुड़े रहिए एम्पावर ट्यूटरिंग के साथ, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो पाए इस चैनल का और वो सभी चीजों को आसान तरीके से समझ पाए। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।